वो कहते हैं ना ससुर जी कि अंधा इंसान एक आंख मांगता है और भगवान दो आंखें देते हैं, वैसे ही हुआ है। मतलब? मतलब युवराज जी को सजा होगी, उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा सबक मिलेगा। कौन सिखाएगा उन्हें सबक? बड़ी महारानी जी। माता श्री कल फैसला करते वक्त हमारे पास पुत्र की नजरों से नहीं बल्कि एक आरोपी के नजरिए से देखने की शक्ति श्री जगदीश्वर दे आपको। युवराज की गोदावरी को जान से मार दिया है। क्या जी? जान से मार के उसे गायब भी कर दिया गया है। ये भगवान, हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ। हे दामाजी, ये केदार जी किसी से डरता नहीं है। अब मेरे लिए चारों रास्ते खा नहीं 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 चारों नहीं युवराज, अब ये केदार जी के लिए 12 रास्ते खुल जाते हैं। सच कहें तो आज का दिन आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको रखनी है रायगढ़ की इज्जत। आपके हाथों में है रायगढ़ की शान। महा जगदम्बे, अब सब आपके हाथों में है। ये सारी मेहनत, ओहदा पिताश्री का है, उनका दर्जा कम मत होने देना। जागिए माँ जगदम्बे, सावधान हो जाइए आप। येसु, निकल रहे हैं। जाना तो पड़ेगा ही युवराज। आप क्या कर रही थी? फरियाद की माँ भवानी से? फरियाद नहीं, धमकाया है। हमने कहा देखिए हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए, हमारे युवराज के पीछे हमेशा खड़ी रहिए, मदद कीजिए उनकी। फिर माँ भवानी आएंगी क्या? हाँ, हमें पूरा विश्वास है। तो फिर हमारी चिंता खत्म हो गई, निकलते हैं, दरबार शुरू होने का समय हो गया। हम भी चलते हैं। येसु की हैसियत से या कुलमुख्तियार की हैसियत से? येसु रानी बनके। फिर भी शिक्के कटियार को साथ में रखना ही पड़ेगा, फैसले के कागज पर मोहर तो लगानी ही पड़ेगी ना। वो अवसर ही नहीं आएगा युवराज। चलिए हम आते हैं। स्वराज्य के युवराज स्वराज्य के दरबार में सफाई देने के लिए जा रहे हैं। आरती नहीं उतारेंगे आप? आरती उतारूं? फिर आप तो हर लड़ाई के पहले आरती उतारती हैं। लेकिन ये लड़ाई कहाँ है? लड़ाई तो है, चरित्र की लड़ाई, और सब लड़ाई एक और ये लड़ाई एक तरफ। उस लड़ाई में हाथों में ढाल और तलवार होती है, यहां संस्कारों की ढाल और ईमानदारी की तलवार है। आरती कीजिए हमारी। यशस्वी भव। ऐसे रोते हुए? हंसकर कहिए। यशस्वी भव। ऐसे लड़ने के लिए जाने वाले इंसान को हंसते हंसते विदा करना चाहिए।
महाराज। सही सही आप? जी हम। आप परेशान हुए इसलिए। आसमान में घूमने से अच्छा सोचा आज आपसे मिल ही ले। सही। बहुत तैयारी के साथ निकले हैं, बहुत सारे हथियार लिए हैं ना साथ में? नहीं तो। नहीं कैसे? ये क्या है? सत्या के बाघ नाखून, नीतियों का भाला, न्याय की तलवार, प्रजा प्रेम की तोप, तत्व के तीर, कठोरपन की कटियार। हमारे बेटे पर हमला करने के लिए क्या क्या लिया है आपने साथ में? सही हम। और क्या वजह थी कि आपने सोया रानी साहब को न्याय आसन पर बिठाया? वो करेगी हमारे बेटे का न्याय? हम पर भरोसा रखिए। आप पर विश्वास था इसीलिए खुशी से दुनिया छोड़ी। आपके द्वारा दिए हुए वचनों पर हम निश्चिंत थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप बाकी सबसे बंधे हुए हैं। हमारे वचन को आप भूल गए? नहीं सही, नहीं। नहीं? फिर इतना बंदोबस्त करके आप दरबार में जाने के लिए निकल रहे हो? आपको कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए? आज हम आपको एक सवाल करते हैं, उसका आप हमें जवाब दीजिए। हमारे बेटे ऐसे हैं क्या? नहीं सही रानी जी, हमारे शंभू बेटे कभी भी गलत बर्ताव नहीं कर सकते। इसलिए कहती हूँ आप अपने शंभू बेटे को पहचानते हो, फिर क्यों उन्हें ऐसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है? हम पर विश्वास कीजिए। हमारे अखंड कुमकुम पर, शंभू बेटे के पिताश्री पर, या प्रजा के छत्रपति जी पर? मतलब? हमने छत्रपति जी को देखा नहीं है, हमने देखा है सिर्फ शंभू बेटे के पिताश्री को, शंभू बेटे की उंगली पकड़कर उन्हें आगे ले जाने वाले पिताश्री। सही, उनकी उंगली हमने आज भी छोड़ी नहीं है। पर आज वो उंगली छोड़ने के लिए छत्रपति जी आपको मजबूर कर रहे हैं। सभी शस्त्र लेकर आज आप दरबार में जा रहे हैं, पर उसी के साथ पिता के प्रेम को भी लेकर जाइए। ये प्रेम आपको हमारी याद दिलाएगा, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। दरबार में छत्रपति जी के साथ शंभू बेटे के पिताश्री भी होने चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हमारा जलाया हुआ दीपक है वो, उसे हमेशा ही तूफानों में रखा गया है और तूफान के साथ लड़कर वो आगे आया है, अब उसे बुझने मत दीजिए। पिता के हाथों से उन्हें स्नेह की छाया दीजिए, ताकि वो इसी स्नेह में शांति से जीते रहेंगे। आप जाइए, आपको टोका माफ कर दीजिए। राम राम पाटिल। राम राम। राम राम। आज किले पे कैसे आना हुआ? किले पे वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन आज गुलाल भर के दो बैलगाड़ियां लाया हूँ मैं। दो बैलगाड़ी गुलाल? एक बार युवराज निर्दोष साबित हो जाए तो पूरा रायगढ़ गुलाल से लाल कर दूंगा मैं, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं आप। सर, सेनापति हम्मीर राव मोहिते मामा जी आ रहे हैं। मामा जी? उन्हें भी मालूम चल गया होगा। हमें सब मालूम पड़ गया है, लेकिन बाहर से हमें बताया क्यों नहीं? हम क्या कोई पराए हैं? ऐसा नहीं है मामा जी। तो फिर रुकिए, पहले आशीर्वाद लेने दीजिए। अरे भगवान भी कभी किसी को प्रणाम करते हैं क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे पराया क्यों समझा गया? मामा जी हमने रुकिए, पहले नमस्कार करने दीजिए। मत कीजिए मामा जी,
अब हम युवराज नहीं रहे, हमसे हमारे अधिकार छीन लिए हैं। ये जाकर किसी और को बताइए। कह रहे हैं कि अधिकार छीन लिया है, इसका मतलब आग से कहा जाए कि आपसे आपका जलने का अधिकार छीन लिया है, आपको उचित लगता है क्या? नहीं, हमारी बेटी को तो हमें बताना चाहिए था ना, या फिर इल्जाम लगे तो हमें आप भूल गए? मामा जी, यहाँ तो बहुत कुछ हो गया है, महाराज ने तो बात करना ही छोड़ दिया है, युवराज के लिए महल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें सब कुछ पता चल गया है, युवराज जी जो सुनने में आया है उसमें आप जरूर फंस गए हैं। मामा जी हम किसी को भगा कर ले जा सकते हैं? अरे क्या? कोई कुछ भगा कर ना ले जाए इसीलिए तो आप अपनी जान लगा देते हैं, पर ये बात ऐसे लोगों को समझ में आने वाली है क्या? आप निश्चिंत रहिए, मैं देखता हूं क्या करना है। मामा जी अगर आप कुछ कहेंगे तो पिताश्री को ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी हम बोलेंगे और कोई भी आकर इल्जाम लगाएंगे और ये न्याय करते बैठेंगे क्या? मामा जी, युवराज जी, चुराए हुए घोड़ों को कोई बारात में नहीं नचाता है, सच्चाई सामने आने पर सब लोग बराबर भाग जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, अब मैं आ गया हूं ना, हम गोदावरी जी को किले पर लेके जाएंगे। किले पर? लेकिन केदार जी हमने तो उसे हाँ जी, मेरा मतलब है कि उनके पार्थिव शरीर को किले पर लेकर जाएंगे। वो तो आपने पाचड़ के खेत में डालने के लिए बोला था ना। अब उसी पार्थिव शरीर को किले पर लेकर जाएंगे, मतलब कि उसी जगह पर ही फैसला हो जाएगा। लेकिन मालिक, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पार्थिव शरीर को देखकर सारी बात का फैसला हो जाएगा और हमारी जांच भी नहीं होगी, क्या लग रहा है आपको? वो भी सच्ची है। गोदावरी के लाश किले पर पहुंचने के बाद युवराज जी खत्म। भैया जी आप जाकर देखिए। बात सुनने के लिए ही तो आए हैं, हमने सोचा सुन ही लेते हैं भांजे का फैसला। बहुत सारी औरतों को भगा कर ले जा रहे हैं, बहुत सी लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं भैया जी ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, आप महारानी बन गई और आपका प्यार खत्म हो गया, इसीलिए तो बेटे का फैसला करने के लिए आप बैठने वाली हैं? राजा राम राजा का फैसला करना तो छोड़िए, उसके बात तक होने नहीं देती हैं आप, जमीन आसमान को एक कर देती है ना। देखिए आखिर में उंगली उठेगी नहीं हम पर। उंगलियां उठेगी नहीं तो और क्या होगा, क्यों चुप बैठी रही आप, क्यों नहीं विरोध किया आपने? चुंचर मोहिते के खानदान से होने के बावजूद आप हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। एक बिल को देखकर खरगोश जैसे छुप जाता है ना, वैसी स्थिति आपकी है। भैया जी जाकर देखिए, मैंने देखा है उनकी आंखों में कितनी मासूमियत है, कितनी बेगुनाही है। महारानी जी सबूतों की बात तो चोरों के मामलों में की जाती है, निर्दोष के मामले में नहीं। और उनके ऊपर इल्जाम लगाना मतलब भगवान पे इल्जाम लगाना, ऐसी मासूमियत उनमें बचपन से ही है। उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया लेकिन जाते समय एक चीज उनके पास छोड़कर चली गई, जाइए जाकर देखिए। सर सेनापति की तलवार आज बहन के महल में चमक रही है। महाराज जी को मेरा नमस्कार। आप कब आए? मेरे यहाँ आने की छोड़िए महाराज जी, पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इल्जाम है अंबेर राव आपके भांजे पर। रहेंगे, पर उसका फैसला दरबार में क्यों हो रहा है? स्वराज्य की वही रीति है,
सबको न्याय और एक जैसा। शंभु राजा खुद को साबित कर दें कि वो निर्दोष है, फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हम लकड़ी से आम का फूल गिरा देंगे और उस पर फल आ जाए ऐसी उम्मीद करेंगे। ये आपके अंदर की मामा की ममता बोल रही है हम्बीर राव। बोलेगी। माफ कीजिए महाराज जी, पर यह प्यार आसमान से आया है क्या? आगरा मथुरा के जलते चूल्हे में से परख कर यह प्यार आया है मेरे अंदर। पर आखिर में वो है तो ममता ही, और उसकी यहाँ कोई जगह नहीं। कल की अच्छाई पर आज का दिन रायगढ़ पर उगता नहीं है। पर महाराज जी। चलिए, समय हो गया। कहाँ है वो महादया? यही है ना वो? यही है ना वो? ये क्या कर रही है आप? अरे प्रबंधक जी संभालिए। तू ही ने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए हैं ना? अब देखते रहना तू। नहीं तुझे अच्छे से सबक सिखाया तो कपूरवाल की धारा वो नाम नहीं है मेरा। धारा बुआ। बालाजी पंजी, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप बीच में मत आइए। आपके मंत्री सामने आ गए तो मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी। धारा बुआ शांत रहिए। अजी ऐसे शांत रहने से ही इस तरह के लोग पैदा होते हैं। खेत खराब भी हो जाते हैं और फसल भी हाथों से निकल जाती है। सुनिए धारा बुआ, अभी न्यायदान शुरू होगा। अजी कौन सा फैसला? और ये नहीं समझ आ रहा महाराज जी ने कैसे भरोसा कर लिया? अजी वहाँ नीचे पछाड़ में धर्मिका समाधि को क्या लग रहा होगा इसके बारे में सोचा तो होता। मेरे बेटे सीधे साधे हैं, सोने जैसे हैं। गलती से भी बुरी तरह से देखेंगे क्या? नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही झमेले करने होते तो 2-3 शादी नहीं कर लेते क्या? वो कितने रिश्ते आए थे उनके लिए, कितनी लड़कियां आई थी। अरे मैं तो रिश्ते लेकर आई थी तो हमसे कहा मेरी ये सुजी ही मेरी लक्ष्मी है, मुझे शादी नहीं करनी है। तेरी तो अब खैर नहीं, 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 छोड़िए मुझे। केदार जी भागो, ऐसे इल्जाम लगा रहे हो क्या? धारा बुआ जाने दीजिए उसे, चलिए दरबार में चलिए। हाँ दरबार तो है ही, पर पंत जी मुझे बताइए, कोई हुक्का फूकने वाला भी 2 शादियां कर लेता है, शिलेदार 3-3 शादियां करते हैं, ऐसी ही रीत है। तो युवराज जी पर कोई पाबंदी थी क्या? अरे नहीं, मेरे प्रभु रामचंद्र हैं वो। होने दीजिए फैसला, कहा जाएगा वो। चलिए धारा बुआ दरबार में चलिए। जाइए अब, अंदर रख दीजिए। युवराज पाटिल आप यहाँ? जी। कुएं का काम शुरू है ना? हमारी द्वी निधि प्राप्त हुई आपको? जी युवराज। जल का संग्रह पर्याप्त हो जाना चाहिए, माँ बहनों की मुसीबत कम होनी चाहिए। युवराज आज इतना बड़ा दिन, आज आप पर इतना बड़ा आरोप हुआ है, फिर भी आप रुके, 2 पल हमसे बात की, धन्य हो गए युवराज, धन्य हो गए। पानी आते ही युवरागी से चंगेरी लेकर जाइए। हजी कुएं को पानी लग भी गया, पहले पानी का कलश लेके आया हूँ आपके पैर धोने। युवराज पैरागी कीजिए। नहीं पाटिल, किले पर 2 ही पैर धोने जैसे हैं, रानी माँ के और पिताश्री के। पिताश्री कामकाजों में व्यस्त है, आप समाधि पर जाइए। हजी वो तो होगा ही, लेकिन हमें आप ही के पैर धोने हैं। आपके पैर धोके पुण्य कमाना है, पैर आगे कीजिए। ए करो परात आगे। जब तक ये लोग हमारे साथ हैं तब तक हमें कलंक दाग की क्यों परवाह करनी है? खुशियां।
कुलावतंस हिंदू पद पातशाह श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज। जगदम सोयरा रानी जी, न्यायाधीश को न्याय के सूत्र को हाथों में ले लिया जाए। जी जैसी आपकी आज्ञा। राजी पंत, आरोपी शंभू राजा को दरबार में पेश कीजिए। संभाजी राजा दरबार में हाजिर हूं। समय वो युवराज नहीं है, आरोपी है। फरियादी दरबार में हाजिर हो। न्याय के कामकाज की शुरुआत करने की अनुमति चाहिए। इजाजत है। न्याय शुरू होने से पहले शंभू राजा के गले में जो कौड़ियों की माला है वो उतार देनी चाहिए। ये कौड़ियों की माला है। आज ये हम आपको दे रहे हैं। ध्यान रखिए, इन कौड़ियों का महत्व जानिए, इज्जत रखिएगा। कोई भी अवसर आने दीजिए, इस माला को कभी भी अपने से दूर मत कीजिए। माफ कीजिए महाराज, हम माला नहीं उतारेंगे। आपको उतारनी पड़ेगी। आप भले ही हमारी गर्दन काट दीजिए पर यह माला नहीं उतरेगी। मां जगदम्बे के 64 तत्वों की 64 कौड़ियों की माला है वो। सभी के सभी तत्व सही सलामत है। यकीन कीजिए,
महाराज, रानी माँ के आशीर्वाद से इसे आपके गले में पहनाया है। अपमान रानी माँ का हो रहा है। रानी माँ का अपमान? हम भोसले होने की ये आखिरी निशानी थी। सोयरा रानी जी, बहुत सोच विचार कर न्याय किया जाए। जी महाराज। नीराजी पंत, न्याय के कामकाजों की शुरुआत कीजिए। शंभू राजा के खिलाफ आरोप है। शंभू राजा के खिलाफ नीराजी पंत, न्यायासन के सामने वो एक आरोपी बनकर खड़े हैं, हमारे पुत्र बनकर नहीं। आरोप पत्र रीति रिवाज से ही पड़ी है। जी, आरोप है शंभू राजा पुत्र शिवाजी राजे भोसले। फरियादी केदार जी पुत्र नीलकंठ शाहपुर के रहने वाले। इन्होंने ऐसी फरियाद की है कि उनकी विवाहिता पत्नी सौभाग्यवती गोदावरी जी उन्हें जबरदस्ती भगाकर ले जाया गया, छिपाकर कब्जे में रखा गया, ऐसी फरियाद है। फरियादी ने जो आरोप लगाया है, क्या आपको मंजूर है शंभू राजा? हमें मंजूर नहीं है। हमें ये इल्जाम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कोई भी आकर हम पर आकर आरोप लगाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। किसी को भगाकर ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गोदावरी जी क्या खुद भाग कर गई हैं? जी हाँ, इससे पहले भी एक बार भाग कर गई थी आपके अत्याचारों से परेशान होकर। मेरे अत्याचारों से परेशान? हाँ, आपके अत्याचारों से भागी थी। अगर गोदावरी जी मुझसे परेशान होकर गई है, उसका एक तो सबूत आपके पास होगा ना? सबूत? सबूत नहीं है। गोदावरी ने खुद हमसे ये कहा था, और हमें पूरा यकीन है कि गोदावरी झूठ नहीं बोलेगी। हमें पूरा विश्वास है उन पर। पूरा विश्वास है? ये विश्वास आपको कब आया? गोदावरी जी का आपके महल में आना जाना शुरू हुआ तभी से ना? केदार, बोलने से पहले सोचिए। माफ कीजिए युवराज जी, ये केदार जी बोलते वक्त नहीं सोचता है, पर बोलने से पहले सोच विचार करके बात करता है। हमने उन पर अत्याचार किए, इसके कोई तो सबूत होंगे? नहीं, मेरे पास बहुत सारे सबूत है। गोदावरी जी आपके महल में आती जाती रहती थी। आरोप हमारे बर्दाश्त के बाहर है। इसके भी जांच पड़ताल की जाएगी। चंपा दास जी, जवाब देने के लिए सामने आइए।
चंपा जी, गोदावरी जी का शंभू राजे के महल में आना जाना था। जी आना जाना था, पर तभी वो युवराज जी से मिलती थी। मतलब सरकार, ऐसे सवाल का जवाब वो कैसे दे सकती है? वो तो नौकर है ना। पर फिर भी देना पड़ेगा। बोलिए चंपा जी, जवाब दीजिए। जी मैं दरवाजे के बाहर रहती हूँ। ठीक है, आप जाइए। नीराजी पंत, आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। गोदावरी का आपकी आंखों के सामने आना जाना होता था और इसी के बारे में आपने अन्ना जी पंत से बात भी की थी, सही है ना? नहीं, अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफ कीजिए। जी हाँ, मतलब पर वैसे राहुल जी सोमनाथ जी ने भी देखा था। हाँ, मतलब गोदावरी जी को महल में आते जाते वक्त मैंने देखा है। पर मेरे हिसाब से वो युवरागी से मिलने आती जाती होंगी। बताइए युवराज, आपने तो एक भी सबूत नहीं दिया। मैंने बहुत सारे सबूत दे दिए। चाहिए तो और भी सबूत दे सकता हूं मैं, क्योंकि तब तक चालाकी तो शुरू हो गई थी। खामोश! चालाक किसे कह रहे हैं? अब आप ही बताइए सरकार, युवराज जी को गुस्सा आ गया, मतलब बीवी मेरी, मैंने उन्हें चला कहा तो बुरा युवराज जी को लग रहा है। इसकी वजह है एक दूसरे के लिए भावुकता। सिर्फ गोदावरी नहीं बल्कि किसी भी स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया ना तो हमें गुस्सा आएगा ही। माफ कीजिए महाराज, पर हमारी रानी मां के संस्कार हम भूल नहीं सकते, कभी नहीं। उसी के साथ पराई स्त्री को मां कहने का आदर्श हमारी आंखों के सामने है और हम निर्दोष साबित हो जाएं, इसलिए किसी स्त्री के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाएगा तो फिर यह फैसला हमें नहीं चाहिए। मेरे भगवान, मेरे सरकार, फैसले से भाग जाने का बहाना है ये। स्वराज जका छाबा भागता नहीं है, वो लड़ता है। और एक बार अगर छावा भिड़ गया तो वो सिर से लेकर पांव तक फाड़ देता है। सरकार, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। सेनापति जी, फरियादी पर दबाव ना डाला जाए। माफ कीजिए महारानी जी। कावेरी जी, गोदावरी जी को युवराज जी के महल में बुलाने का संदेशा आपके घर आता था क्या? ऐसा संदेश कभी आया नहीं। सरकार, मैं कहता हूँ संदेशा भेजने की जरूरत ही क्या थी? पैर अपने आप ही जा रहे थे महल की ओर, जादू ही कर दिया था गोदावरी जी पर युवराज ने। युवराज भगवान है, भगवान। मतलब मैं राक्षस हूँ महारानी जी? युवराज के बारे में गलत बात, ये कोई बोले मुझे पसंद नहीं। अगर कुछ बोलना ही होगा तो मुझे बोलिए। ये मनगढ़ंत इल्जाम हमें मंजूर नहीं है। मनगढ़ंत? सरकार, गोदावरी जी को ससुराल में गृहस्थी करनी नहीं थी। बार बार वो रायगढ़ पर ही चली जाती थी। एक बार अगर वो मायके आ गई तो ससुराल में लौटने का नाम ही नहीं लेती थी। और प्रशंसा युवराज जी की, बुद्ध भूषण और जिज्ञासा युवराज के लिए।
राज्याभिषेक के दिन गागा भट्ट हमारे घर पे आए थे। उनके पास थी बुधभूषण की प्रतिलिपि। मैंने उसे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे नकल करने के लिए दिया, और फिर मैं उसे पढ़ती ही रही। ससुराल में भी कोई बाधा नहीं आई। गोदावरी की गृहस्थी के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, और हमें मालूम रहे ऐसी कोई वजह ही नहीं है। हमने बुधभूषण लिखा जरूर है, किसी को अच्छा लगा तो उसने उसे याद कर लिया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, प्रशंसा है। और रही बात प्रशंसा की, तो किसी ने गाली बद्दुआ देने से अच्छा प्रशंसा की इसकी खुशी है हमें। पर सरकार, ये बात प्रशंसा के बहुत आगे जा चुकी थी, इसलिए तो युवराज जी मुझे स्वराज में नौकरी देना चाहते थे। चाहिए तो पूछ लीजिए सुलनिस जी से। क्या शंभू राजा ने केदार जी को स्वराज में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा था? जी महारानी जी। क्या शंभू राजा ने केदार जी को स्वराज में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा था? जी महारानी जी, लेकिन जमाई राजा ने उसे मना कर दिया। क्योंकि मुझे उसी समय संदेह हुआ था कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं इन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहता था। सुधरने के लिए मैं बिगड़ा ही कहां था? बिगड़ी हुई थी युवराज जी की नजर सरकार, गोदावरी को पास देखने की। अरे चालाक इंसान, ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं युवराज जी के बारे में? प्रभु रामचंद्र के अवतार है वो, ऐसा कुछ बोलने से पहले आपकी जुबान कैसी नहीं कट गई? धराव जी, मेरी जुबान क्यों नहीं कटी ये हम बाद में देख लेंगे, लेकिन दो मोती जरूर मिले थे युवराज जी से गोदावरी जी को। जी हां सरकार, यही है वो मोती। सरकार, ये मोती गोदावरी जी ने कितने दिनों तक खुद के पास संभाल कर रखे हुए थे? हो सके तो पूछ लीजिए गोदावरी जी की मां से। कावेरी जी, क्या आपको इन मोतियों के बारे में कुछ पता है? जी हां महारानी, ये मोती गोदावरी के ही हैं। ये मोती शंभू राजा से मिले थे, मतलब उनके द्वारा ही गोदावरी को मिले थे। हम इन मोतियों के बारे में विस्तृत रूप से बता सकते हैं। आप कुल मुख्तियार हो, इस न्याय प्रक्रिया में आपको आरोपी या फरियादी इनके पक्ष में बोलने की इजाजत नहीं है। परंतु हम निष्पक्ष होकर बात करेंगे। ऐसा अगर होगा तो ही बात कीजिए, अन्यथा आरोपी की आप तरफदारी कर रही हो, ऐसा थोड़ा भी अगर शक हुआ हमें, तो आपसे कुल मुख्तियार का ओहदा छीन लिया जाएगा।